महानगर कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक अध्यक्ष आशीष पांडे के सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर जनरल प्रेस क्लब पर किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्य संगठक अध्यक्ष आशीष पांडे का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में मुख्य संगठक अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल ने जो दायित्व उन्हें दिया है उसे निभाने का प्रयास किया जाएगा। जो संगठन के कार्यकर्ता कांग्रेस में होकर भी दूरी बनाए हुए हैं उन्हें फिर दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव-गांव तथा गली-गली जाकर संगठन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा संगठन को मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक आशीष पांडे ने कहा, कांग्रेस भी कम होता चला गया, सेवा दल का काम का प्रभाव फिर भी काम, सेवा दल का काम था हम एक संगठन बना करते, कांग्रेस में उन्हीं को पद मिलता था जो पहले सेवा दल से निकल के निकलते, इसी प्रकार हमारा सेवा दल भी है जो पहले अपना आप संगठन में आइए, हमारा जो सेवा दल का कार्यक्रम होता है अगर राजू जी, राहुल जी, प्रियंका जी अगर आते हैं उसमें हमारे साथ और उनके जो बॉडी गार्ड होते हैं वो भी स्वागत से बैठते हैं, हम उनकी सुरक्षा करते हैं, हम उनकी हिफाजत करते हैं और हमारे साथ वो मिलकर के काम करते हैं, हम सब मिलकर मतलब आ जाएंगे। जी सर, मैं महानगर कांग्रेस सेवा दल का संगठक, जिसको आम भाषा में हम अध्यक्ष बोलते हैं, उस रूप में आज मेरी नियुक्ति हुई है दो दिन पहले। आज मैं आप लोगों को बुलाकर अपने सेवा दल के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा सेवा दल माननीय डॉक्टर सुब्बाराव हाइडकर जी के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1923 को इसका गठन हुआ था। बाद में आज़ादी के बाद जब जंग आज़ादी खत्म हुई जिसमें हम शिरकत किए थे, हमने मातृ वतन अपनी मातृभूमि के लिए जान दिया था। बाद में संगठन का नाम बदल करके जब कांग्रेस में मिले हुआ तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल का नाम रख दिया गया। आज हमने तय किया है कि हम वार्डों के अंदर घूम घूम कर एक रथ यात्रा निकालेंगे, हम अपने वरिष्ठ कांग्रेसजनों से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, मेन कांग्रेस के अध्यक्ष जी से हम बात करके एक मीटिंग रखने जा रहे हैं। मीटिंग के बाद हम बैठ करके हर वार्डों में गठन करेंगे और जो भी छूटे हमसे बिसरे हुए हैं, जो भूले भटके कांग्रेसी हैं, उनको हम इकट्ठा करने का काम करेंगे और उन्हें पुनः बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, सक्रिय होइए। यदि सक्रिय नहीं भी होते हैं तो उनके आशीर्वाद से हम कांग्रेस दल को मजबूत करेंगे और जब सेवा दल मजबूत होगा हमारा तो निश्चित रूप से कांग्रेस आगे बढ़ती जाएगी। जो राजू जी के कार्यकाल के बाद जो ढीला पड़ा था, जब सेवा दल ढीला पड़ा तो हमारा कांग्रेस ढीला पड़ता चला गया और जब कांग्रेस ढीला पड़ता चला गया तो हिंदुस्तान ढीला पड़ता चला गया। हम फिर से इस महानगर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे, उसके पहले हम सेवा दल को मजबूत करेंगे, सेवा दल के साथ हम मेन पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और साथ में इस देश को भी मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जय हिंद। आने वाले दिनों में आगामी विधानसभा चुनाव, उसके लिए क्या? विधानसभा जो सेवा दल का काम होता है वो मुख्य रूप से चुनाव में भागीदारी नहीं करता है, उसका मुख्य काम होता है संगठन को जोड़ना। हमारी जहां हो सकता है हमारे प्रत्याशियों को पड़ेगी, हमारे अध्यक्ष को पड़ेगी, हमारे फ्रंट ऑफिसर को पड़ेगी, जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी सेवा दल हमको बुलाएगा, सेवा दल को बुलाया जाएगा, निश्चित रूप से हम भागीदारी निभाएंगे और पूर्णता निभाएंगे और अपने पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सुप्रत्याशी तारीख का काम करेंगे।